नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया। सफाई का माहौल बनाना, सफाई की आदत डालना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तुसी देख रहे हो साडा यूट्यूब चैनल पंजाबी व्लॉग्स। मेरा नाम है मुजम्मिल, उम्मीद करदा हां सारे भाई ठीक होवोगे। ते अज दा व्लॉग स्टार्ट करने आ। अज व्लॉग तुहानू बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि अज असी इहनां दी सफाई दे बारे दसणा है। ते इस तों पहलां व्लॉग शुरू करन तों पहलां साडा यूट्यूब चैनल पंजाबी व्लॉग सबसक्राइब कर लो ताकि जिहड़ी वीडियो अपलोड करिए तुहाडे तक पहुंचदी रहे। ते जी शुरू करने आ। ते जी सब तों पहलां चारे दा शुरू करने आ। चारा किवें तुसी साफ इस्तेमाल कर सकते हो, साफ जगह से इस्तेमाल कर सकते हो। पहली गल तो तुसी जड़े जमीन के बेच कोई कोई भी लोहा वगैरह कोई शहर नट वगैरह डिग पैंदा है, उस वजह तो ही कोई पत्थर छत्तर वगैरह पट्ठिया जा सकता है। या फिर तुसी जिस टाइम चारा कुतरते हो उस टाइम ही कुछ बेच आ सकती है। इस चीज़ का खास ख्याल रख्या करो क्योंकि जानवर वास्ते बहुत नुकसानदेह होंगे। ऐ देखो इस कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई और चीज़ें गोया वगैरह बेच डिग पैंदा गावां दा, वो खास ख्याल रखो। तो यह जी जगह से पानी है उन्होंने खास रोजाना साफ करो क्योंकि पुराने पट्ठे वो खराब जो हो जाते हैं, स्मैल कर जाते हैं, इस वजह तो ही इन्होंने वास्ते नुकसानदेह ने। इसलिए इन्होंने साफ पट्ठे पाने चाहिए, रोजाना जी पाने वाली जगह मतलब खुली उन्होंने साफ करो रोजाना डेली डेली की बुनियाद पर साफ करो, जिसकी वजह तुम इन्हों तो इन्होंने सफाई रख सकते। तो जी सब तो ज़्यादा अहम पॉइंट जनाब के गोबर की सफाई लाजमी करो सुबह शाम। डेयरी फार्म तो सुबह शाम अगर तुम छोटे तबके से फार्म है या चार पाँच गाय ने उन्होंने तो चलो दो दिन बाद तीन दिन बाद हफ्ते बाद साफ कर सकते हो। मतलब कि अगर तुम फार्म चो तो उन्होंने लाजमी रोजाना गोबर उठाओ थले पानी लाजमी मारो क्योंकि ये जड़िया फार्म च होंगे तकरीबन लोग इंपोर्टेड ही गाय रख रही फार्म च। तो इंपोर्टेड गाय साफ सुथरी जगह पर रखो क्योंकि उन्होंने बीमारी बहुत छेती लगती। पाकिस्तानी गाय तो थोड़ी बर्दाश्त कर जी कोई बीमारी उसे अटैक करे, लेकिन अमेरिकन गाय बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए खास ख्याल रखो कि थले सफाई इन्हों की होवे क्योंकि ये साफ जगह पर रहने वाली शह है। अगर इनू किसी गंदी जगह पर एवं कोई गोबर थले पिया वो तो बह जाएगी, कोई ना कोई इनू मसला हो जाएगा। इसलिए थले साफ जगह रखो, खास ख्याल रखें पानी का क्योंकि पानी बहुत चीज़ों तो बीमारी फैलती पानी की वजह तो। अगर जिस टाइम पानी पीनिया ने अगर ये पानी गंदा है तो इन्होंने मेदे डिस्टर्ब हो सकते हैं जिस वजह तो ही इन्हों बीमारी लग सकती है कोई ना कोई। इसलिए इन्होंने सुबह शाम सफाई करो। ओ होली दी ए देख सकते हो साड़ी होली है जनाब, तो ये अंदरों बिल्कुल साफ है। तो जी इनू हमने शाम को असी फिर पानी कढ़ देना जोड़ा होएगा, इन फिर साफ करांगे। ऐ देख रहे हो ऐसा ऐसा पानी चल रहा, तो एको बार इन भार नहीं देना क्योंकि ज़्यादा पानी फिर गर्म हो जाता है, इस वजह तो गर्मी भी मना सकती है। तुम्हें पिछली वीडियो दसिया होना, पिछली वीडियो नहीं वेखी तो देख सकते हो। देखो ये जी उल्ली जी वगैरह सब मतलब जम जाती है, इनू लाजमी साफ करो क्योंकि यदि वजह तो ही बीमारी लगती गावों। पानी की ज़्यादा वजह है बीमारी लगन की, मेरे डिस्टर्ब होने की ज़्यादा वजह पानी है जी। ए देख सकते हो गावं बिल्कुल साड़िया साफ सुथरिया ने, कोई गां इवें उत्ते गंद वगैरह नहीं होना चाहिए, गोबर ना लगा हो क्योंकि इन्हों चिचड़ जे चिचड़ होंगे बहुत ज़्यादा छेती चमड़ते हैं, जिसकी वजह तो भी इन्हों बुखार हो जाते हैं, बैक्टीरिया या थलू थन के जरिए बढ़ जाता किसी वजह तो। जनाब इन्हों फिर भी थन भी खराब हो सकते हैं, इसलिए इन्हों चिचड़ नहीं चमन चाहिए, इन्हों बुखार भी हो सकता है चिचड़ा की वजह तो। इसलिए इन्हों डेली या हफ्ते बाद या महीने बाद इन्हें स्प्रे करो ताकि कोई चिचड़ चमन ना सके। तो स्प्रे गावं तो गावं मूँह तो अलावा बाकी सारे जिसम से स्प्रे करो। बाकी जड़िया तुम बहन वाली जगह मतलब सैड बैंकर ने देखो बिल्कुल साढ़े साफ सुथरे देख सकते हो सैंड मेकर, ये तो स्प्रे लाजमी करनी महीने बाद हफ्ते बाद जिनी थोड़ी गुंजाइश हो सके ये स्प्रे लाजमी करो। ये जी एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बहुत खास है जी अज ना तकरीबन हफ्ता हो गया ये बारिशों की वजह तो हो रहा है, देख सकते हो यह देखो ए बारिशों की वजह तो ना थले कीचड़ जहा हो गया, इस वजह तो इन्हों साड़ू पै सकता है जिस वजह तो इन्हों के थन खराब होने का खतरा बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए यदा खास ख्याल रखो तो स्प्रे लाजमी करो क्योंकि ये बहुत जरूरी इन्होंने वास्ते
ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਗੋਬਰ ਹੈ ਗੋਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਰ ਸੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸੱਟੋ ਉਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਟੋਗੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਲੂਦ ਹੋਏਗੀ ਆਬੀ ਅਲੂਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੋਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੱਟੋ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਟਰਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਸੱਟੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮ ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵਾਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਚੜ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੈਂਡ ਮੇਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਸੱਟੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਚੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਕਿੱਚੜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਂਕਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਵੇਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀ ਆਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਸਫਾਈ ਨਿਸਫ ਇਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਬਾਊਟ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇੰਸਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ